सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने जितने भी हमारे साथी यहाँ पे आज पहुँचे हैं इनका तहे दिल से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके माध्यम से हमने तमाम हिंदू संगठनों को, जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए काम करते हैं, उन सारे संगठनों को हमने हाथ जोड़ के ये विनती की थी, निमंत्रण दिया था कि आप आइए मंगलवार को 8:30 बजे, हम जो हैं हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, क्योंकि ये जो जाप है ये देश की तरक्की के लिए जाप है। इस जाप में, क्योंकि कुछ दल ये कहते हैं कि हम बजरंग बली, वो अपने आप को तो बजरंग बली के समान ही मानते हैं, लेकिन समान तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि हम अपने बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बजरंग बली जी के नक्शे कदम क्या थे। हमने उनसे अनुरोध किया था, क्योंकि आपने देखा कि ये हमारी जो बेटियाँ हैं गोल्ड मेडल लेके आई थी देश के लिए, ये जंतर मंत्र पर बैठी हुई हैं, इंसाफ के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, न्याय के लिए चिल्ला रही हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है सरकार के कान पर यूं तक नहीं रेंग रही। और ये जो रावण है जिसकी वजह से ये परेशान होकर उस जंतर मंत्र पे बैठी हुई हैं और इस रावण पे आरोप लगा रही हैं, सरकार इस रावण को बचाने का क्यों प्रयास कर रही है? आज वो संगठन जो कहते थे कि हिंदुओं का दल, बजरंग दल या हिंदुओं का दल कोई भी संगठन को बोलते थे, वो आज कहाँ पे हैं संगठन? आज से वो अपना जो नारा है उसको चेंज कर दे, वो बोले किसी विशेष पार्टी के लिए वो काम करते हैं, बोले कि हिंदुओं का दल आज से ना बोले, बोले हैं तो ये बोलिए कि भाजपा का दल बजरंग दल, या भाजपा का दल जो भी ये जो हिंदू संगठनों ने बनाया हुआ है हमारे लोगों की आंखों में जो धूल झोंकने का ये काम करते हैं, उसको एक हमने उजागर करना था, हमारे जो जनता है उसके सामने सच आए कि इन बेटियों के इंसाफ के लिए ये दल कहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हमने ये पाठ किया था, बेरोजगारी का जो संकट छाया हुआ है हमारे युवाओं पे, हमारे युवा बेरोजगार हैं, उनका उनके रोजगार के लिए यहाँ पे पाठ रखा था, आज उन हिंदू बेरोजगार युवाओं के लिए आके इसमें क्यों उन्होंने भाग नहीं लिया? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, महंगाई का संकट छाया हुआ है, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, इसलिए आज हमने हनुमान जी के चरणों में ये प्रार्थना की थी कि ये जो महंगाई का संकट है ये भी टल जाए। इन सारे संकटों को समाप्त करने के लिए आज हमने ये रखा हुआ था। और मैं ये भी बता दूँ कि ये जो बेटियां हैं ये हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखती हैं, आप हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो लेकिन ये हिंदुओं के बेटियां हैं, इनके लिए आपका हिंदुत्व कब जागेगा? क्या केवल वोट के लिए हिंदुत्व जागता है? क्या केवल वो जो विशेष पार्टी है उसके लिए हिंदुत्व जागता है? जब हमारा हिंदू बेटा बेरोजगार घूमता है, जब हमारे पे महंगाई का मार पड़ती है, जब हमारी बेटियां रोती हैं, तब आपका हिंदुत्व कहां से हो जाता है? इस ब्रिज वोशन के लिए कब आप 4 लफ्ज बोलोगे? इसके खिलाफ आप कब अपनी बात रखोगे? क्योंकि इस पे आरोप लगे हैं, फिर हम मानेंगे कि आप हिंदुओं की परवाह। जय श्री राम। आज शुभ मंगलवार है और आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ जहाँ शहीदी चौक मंदिर के अंदर किया है। हनुमान चालीसा पढ़ने का हमारा जो मकसद था वो ये था कि जो हमारे देश में जो आपदा विपदा जो आती है वो इसको हनुमान जी को संकट मोचन बोला जाता है, और जो भी हमारे देश पर संकट आया हुआ है वो हनुमान जी हमारा संकट दूर करें और
जो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है लोगों की, उनकी बुद्धि भी वो ठीक करें, क्योंकि उनका उनका हनुमान चालीसा में आता है बल बुद्धि भी दया देहु मोहि, सबको जो है वो अच्छा बल प्रदान करें और सबको अच्छी बुद्धि जो है वो प्रदान करें। हनुमान जी जो हैं वो रुद्र के 11वें अवतार हैं, शिव जी जी के वो 11वें अवतार हैं, और हमें किसी दल के दल विशेष के साथ हनुमान जी का हम उसको मिला नहीं सकते, लेकिन कुछ पार्टियाँ और कुछ दल जो हैं वो सोचते हैं कि हम किसी का भी नाम रखने से हम वही दल वही अपने आप में बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मेरा नाम अरुण मेहता है, मैं जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस से हूं, और एक चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता है वो गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी है, उसमें नेचुरल बात है कि उसमें डिफरेंस तो है, ये उनको भी पता है, ये सारे लोगों को पता है, उन्होंने IAS क्लियर की हुई है, वो गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं, और मैं IAS नहीं हूं और मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूं। बस मैं यही एग्जांपल के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। लोगों को समझना चाहिए कि बजरंग बली का मुकाबला जो है वो कोई नहीं कर सकता, जिन्होंने रावण की लंका को ढहा दिया, जिन्होंने सुग्रीव को बाली से बचाया, उनका मुकाबला जो है वो कोई दल नहीं कर सकता। जय श्री राम, जय हनुमान।